नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मशहूर इलाके सराय काले खां से एक दिलचस्प कहानी सामने आ रही है, जहां पर दो प्रेमी युगल ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो वही हुआ जो हमेशा होता रहा है। परिजनों को यह विवाह नगवारा गुजरा तो प्रेम विरोधी परिजनों ने लड़की के गली मोहल्ले में आकर तोड़फोड़ कर डाली, जिसके चलते किसी किसी को मामूली चोटें भी आई, जिसके चलते पुलिस FIR दर्ज की गई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके की नजाकत को समझते हुए सनलाइट कॉलोनी पुलिस द्वारा वहां पर पुलिस का बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिया। यहां भी हमेशा की तरह ही नेता राजनेता अपनी राजनीति चमकाने से नहीं चुके और मौके पर आ गए। जब लड़का लड़की से पुलिस द्वारा रजामंदी और पूछताछ की गई तो दोनों युगल ने अपने बालिक होने का सबूत देते हुए कहा कि हम बालिक है और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब देखना यह कि क्या परिवार के लोग के विरोध में यह दोनों एक साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे या नहीं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। निभाना, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण यह घटना हुई। अभी हम जो लड़के के पिताजी और उनके परिवार से मिले, उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि हमारा उनसे एक अच्छा संबंध था, रिलेशन थे। एक गलतफहमी के कारण उनके कुछ मन में आया, उसी कारण से यह घटना घटी। दोबारा ये घटना न हो, इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से बात की और पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि उनको सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाएंगी। जैसा आपने भी बताया कि होली के ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसका पूरा पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन इसको स्वयं संज्ञान लेते हुए उनको जो कुछ भी मदद लगेंगी वो पुलिस डिपार्टमेंट करने के लिए तैयार है। मेरे आने के पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो यहाँ का पुलिस थाना है वहाँ पर हमारे जो जॉइंट CP साहब है, उसके बाद में DCP है, उसके बाद में कलेक्टर साहब है, DM, उनके साथ में चर्चा हुई। सारे विषयों पर चर्चा होते हुए उनको जो जो मदद लगेंगी वो सब मदद प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट करने के लिए तैयार है। आयोग करके इतना चाहिए कि उनके जो भी SC के ऊपर जो SC Act लागू होना चाहिए था वो भी हमने उनको निर्देश दिए कि SC Act जो कलम है वो लागू होना चाहिए। और मैं आपको इसी माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सामाजिक स्थलों का भी रखना बहुत जरूरी है। ये जो घटना घटी, ये न घटने वाली घटना घटी है। हमने उनके परिवार से बात करते हुए सामाजिक स्थलों का रहना चाहिए इसकी उनको हिदायत दी और उनको कहा गया कि ऐसी घटना न घटे करके आप भी अपने तरफ से पूरा प्रयत्न करें। यही इतना मैं कहना चाहता हूँ। और आपके मन में जो भी विचार है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसको ये करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सारा इंतजाम किया है। परिवार के साथ में अन्याय हुआ है, परिवार वाले बहुत दहशत में हैं और पुलिस के आने से, कानूनी कार्रवाई होने से उनमें दहशत की कमी हुई है, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है। पुलिस ने पूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए मुस्तैदी से कुछ लोगों को पकड़ा भी है और आने वाले समय में वो अपने काम को, अंजाम को पूरी तरह से निभाएगी भी। जहाँ तक परिवार की बात है, मैंने उनसे कहा है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो इस बात से सहमत हैं कि कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार का रवैया ढिलमुल रवैया रहा है, दलितों के खिलाफ, दलितों के जो एक प्रकार से उनको छोड़ दिया गया है उनकी राह पर, उनके अपने रहमो करम पर, लेकिन ये बहुत गलत बात है। राज्य सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वैसे तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े लोक लुभावने वायदे करते हैं, करते कुछ नहीं हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार इस राज्य सरकार में बढ़ गया है, चाहे वो रघुवीर बसई दारापुर की घटना हो, जहांगीरपुरी घटना हो, बार बार दलितों को ही एक विशेष समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, उनको मारना, उनके जान के ऊपर बन जाना, यहाँ की एक जो घटना है, ये वर्तमान की जो घटना है, ये सबूत है, सामने ही है। और एक भी बयान आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं दिया जाना, मैं पूछता हूँ कहाँ है केजरीवाल जी, कहाँ है मनीष सिसोदिया जी और देश के बहुत बड़े नेता जो बार बार अपनी बातों को रखते हैं गलत तरीके से, देश के खिलाफ भी बातें रखते हैं कई बार। मैं उन राहुल गांधी जी और कांग्रेस सरकार से भी
ये पूछना चाहता हूँ वो कहाँ है, इस घटना के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति से वो कब बाज आएंगे ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्या उनको दलितों की सुध नहीं है, सिर्फ दलितों का ही उनको वोट चाहिए? ये बहुत गलत बात है। अब दलित जो है वो समझ चुका है, जान चुका है कि इस राज्य सरकार के अंदर उसका यदि कोई भला कर सकता है तो मोदी सरकार कर सकती है और इस राज्य की पुलिस कर सकती है। कानून व्यवस्था के रूप में जिस प्रकार से, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस को कि उन्होंने जिस प्रकार से इस मामले को एक प्रकार से अच्छी तरीके से हैंडल किया है कि यहाँ पर बलवा द्वारा नहीं होने दिया गया और यहाँ के जो मुजरिम थे इस घटना के उनको पकड़ा गया है। सर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था ने ही उन अन्यायियों को पकड़ा है, उन दंगाइयों को पकड़ा है जिन्होंने इस परिवार को मारने का प्रयास किया। 20-25-30 लोगों के साथ में बलवाई यहाँ पर घूमे, तलवारों के साथ में घूमे, महिलाओं को छोड़ा नहीं गया, चाकूबाजी की गई, बच्चों को छोड़ा नहीं गया, मारने का प्रयास किया गया, एक घर नहीं पूरे घरों को उनको तोड़ा गया, उन्होंने तोड़ा है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये वही पुलिस है जिस प्रकार से आपने पूछा कि केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये पूरी तरह से अपना काम कर रही है और बिल्कुल इस प्रकार की घटनाएं अब दोबारा इस क्षेत्र में नहीं होंगी। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में SCI डिपो में 456 पुरानी व वास्तविक कार्यरत श्रमिकों को उनकी नौकरी से निकालकर दर दर भटकने को मजबूर करने वाले SCI नोएडा मुख्यालय के दरवाजे पर आज एक बार फिर दलित सेनानी धरने पर बैठी है। उनका कहना है कि भारत सरकार की अधिसूचना 23 अप्रैल 2010 से लागू होने के उपरांत डिपो की मरम्मत के बहाने छुट्टी कर दी गई, उसके बाद श्रमिकों से कार्य नहीं लिया गया। उनका कहना है कि कुछ महीनों में भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के उच्च अधिकारियों को 8-10 पत्र दिए जा चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही। श्रमिकों के पास परिचय पत्र भी है, आवाज उठाने पर यूनियन के नेताओं पर आरोप लगाकर मुद्दे को लटकाया जा रहा है। कुछ समय पहले 222 श्रमिकों को कार्य पर लिया गया था जबकि इन स्थानों पर 456 श्रमिकों को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है और बाद में निकाल दिया गया था। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। दलित सेना उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आज भारतीय खाद्य निगम नोएडा सेक्टर 24 में दूसरा बार हम आए हैं लेकिन 44 के चलते हम लोग 5 आदमी आए, 44 धारा लगा हुआ है। आज अधिकारीगण से बात हुआ, मेरा काफी देर बात हुआ, करीब आधा घंटा बात हुआ, कोई अपनी कहानी ये लोग गा रहे हैं, कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं। आज तो हमारे यहाँ पर ये प्लानिंग था कि कम से कम यहाँ हम 400 आदमी आएंगे लेकिन पुलिस द्वारा 44 धारा लगने के वजह से पहले से डेट मेरा फिक्स था, इसलिए हम लोग 5 आदमी आए। आईन को अधिकारियों को हमने बोल दिया कि आप कुछ भी करिए, आप जैसे 44 खत्म होगा हम यहाँ 400 आदमी लेके बैठेंगे, आपका मंत्री, आपके उच्च अधिकारी, आपके प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको पता चल जाएगा कि क्या मेरा मामला है। चलिए आप लोग अपना कहानी सुना देते हैं, लिख के दे देते हैं, वो हमें कुछ पता नहीं है। हम इन अधिकारियों से पूछते हैं कि जब 456 को ये हटाया तो क्या किसी के ऑर्डर था? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर था कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर था? किसके ऑर्डर से वो हटाया 456 आदमियों के? आइन से ये भी हम बार बार कह रहे हैं कि जो आपके मैनेजर द्वारा 456 के पर्चे पत्र बना करके दिया है लोग, उन्हीं आदमी के जांच करके आप तुरंत रखो। ये क्यों नहीं जांच करा के रखते हैं? उस समय जो अधिकारी ने इनको पर्चे पत्र बना के दिया तो अधिकारी से जांच करवाया जहाँ ये हमारे हाथ के द्वारा बनाया गया है और उस समय ये लोग 456 कार्यरत थे। इनको ये बहाना करके हटा दिया कि गोदाम के हमें रिपायरिंग कराना है, लगाई पुताई करना है, इसलिए आप लोग 2 महीना के लिए जाइए, 2 महीने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम आप लोग के रख लेंगे। लेकिन उसके बीच में ये अधिकारियों ने 222 आदमी जो रख लिया लेकिन 456 अधिकारियों में से किसी को नहीं रखा, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश
हमारी दलित सेना के एक जिला के तर तर आएंगे यहाँ, हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे आ इनसे 456 के हम काम पर रखवा के रहेंगे, चाहे जो भी हमें करना पड़े ये उसके लिए हम तैयार हैं, आइए अधिकारियों के लिए हम तैयार हैं हर लड़ाई लड़ने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश की महिला विंग की बसंती देवी अपने अध्यक्ष जी के साथ आज मैं भी मिली थी अधिकारी से। अधिकारी तो आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हमें 7 दिन का टाइम दिया था जबकि 7 दिन के बाद हम करीब 15-20 दिन में आए हैं यहाँ पर, इंतजार करके आए हैं, महीना ही हो जाएगा। हम तो अब यही जानते हैं अपने जो हमारे बेचारे ये गरीब लोग हैं और जो नौकरी करते थे वहाँ, जैसे इन्हें निकाल दिया अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब हमें धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल और हो सकता है हम और भी अगर इस चीज़ से भी नहीं मानेंगे ना तो हो सकता है हम दूसरा तरीका भी अपनाएंगे जी, अगर हमें मरना पड़ा ना एक आध जने को तो हम आत्मदाह भी करेंगे अगर ये लोग नहीं मानेंगे। इस चीज़ को इन्हें समझना पड़ेगा, भारी से भारी हमें धरना प्रदर्शन और यहीं बैठेंगे भूख हड़ताल पर, ठीक है यही हमारी मांग है। और हमें ये मानना इन लोगों को मानना पड़ेगा जो जैन वाले उन्हें इन्होंने निकाल दिया है और जो फर्जी है 222 उन्हें इन्होंने नौकरी पे रख लिया, तो ये है ना पैसा लेके रख लिया भाई, जो गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, जो इनके रिश्तेदार हैं रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं उनसे पैसा लिया है रख लिया, गरीब आदमी भी तो पैसा नहीं है, अभी गोंडा से आ रहे हैं बेचारे मजदूर लोग हैं वहाँ से आते हैं, किराया भी खर्च होता है, यहाँ आएंगे तो रुकेंगे, इनका रुकने का भी है, कहीं पानी भी पियेंगे तो मोल की पीना पड़ेगा, बिल्कुल अभी इनका कोई रिश्तेदार तो है नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विभाग जिस तरीके से आपने भी क्वेश्चन को किया था इसे कि मतलब आखिर विभाग क्यों नहीं सुन रहा है, तो विभाग कैसे सुनेगा क्योंकि विभाग ने तो अपने नाते रिश्तेदार उसमें लगा लिए हैं, जब 222 को फर्जी तरीके से लगाया तब नहीं सोचा एक बार भी, आज विभाग इस चीज को कहता है कि मतलब 222 लगा दी, किस तरीके से लगा दी, आज हम जैनू ने हम भटक रहे हैं यहाँ पे, अगर अब भी ये नहीं होगा तो जो हमारे मतलब अध्यक्ष जी ने कहा है उसी पैटर्न पे आके हम भूख हड़ताल करेंगे और फिर विभाग को भारी पड़ जाएगा जी। जी। जो 222 का जो ये लेके चलते हैं बाकी तो हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बात बता दी, 222 का जो लेके चलते हैं जो सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अधिकारियों का इसमें रोल है, अधिकारियों ने ले दे के जो है जो 222 को रखा है और 456 के लिए हटाया गया नहीं रखा। अच्छा ये इनकी हठधर्मी है, इनकी हठधर्मी है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी पत्र हम भेज रहे हैं भेजते चले आए हैं किसी का सही माकूल जवाब ही नहीं मिल रहा है, ना जवाब ही मिल रहा है और ना कार्य का कोई निराकरण मतलब जो कर रहे हैं इनकी हठधर्मी। अब आगे की तैयारी तो हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया है अभी बस वही हमारी तैयारी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से विभाग को सूचित कर रहा हूँ शेयर के माध्यम, हम श्रमिकों पर जुल्म करता चला गया विभाग, हम श्रमिकों पर जुल्म करता चला गया, सभी श्रमिक भूखा प्यासा रो रो कर सहता चला गया। अब जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वंचित शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ नगर व जनपदीय टीम बी की संयुक्त पुलिस टीम ने एनसीआर क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एनसीआर क्षेत्र से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल का इंजन व 5 मोटरसाइकिल चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण आदि बरामद किए गए। आपको बता दें कि जब अभियुक्तगण से पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह दोनों अपने साथी के साथ मिलकर अपना गैंग बनाकर एनसीआर क्षेत्र से नोकवालिकी का प्रयोग करके मोटरसाइकिल से लॉक तोड़कर चोरी करते हैं और फिर मोटरसाइकिल को चोरी करने के बाद मोटरसाइकिल के पार्ट्स अलग अलग निकाल कर अपने साथी की मेरठ के सोतीगंज में स्थित दुकान पर का पुराना सामान बेचकर पैसा कमाते थे। इस गैंग में अनिल व जितेंद्र का काम मौके से मोटरसाइकिल चोरी करना है, जिसके
के बदले में इन दोनों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 5,000 मिलते हैं तथा इसके बाद जावेद उर्फ चरसी उर्फ काला इस चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट को अपनी दुकान पर रखकर करीब 25,000 में बेच देते हैं। यह गैंग अब तक NCR क्षेत्र से करीब 50 से अधिक मोटरसाइकिलों को चोरी करके इनके पार्ट को काट कर बेच चुके हैं। इनके कब्जे से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वह इन सभी के द्वारा एक साथ मिलकर NCR क्षेत्र से चोरी की गई थी। पिछले कुछ दिनों से बेसिकली 1 मार्च से मोटरसाइकिल चोरियों में कुछ बढ़ोतरी हो गई थी हापुड़ नगर और हापुड़ देहात में, तो उसमें हमारी टीमें लगी हुई थी। उस टीम ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग का सरगना अनिल, उनके साथी राहुल हैं और कुछ कबाड़ी हैं जो कि सोतीगंज मेरठ के रहने वाले हैं। इन्होंने लगभग पिछले 1.5 महीने से लगभग NCR क्षेत्र से 50 से 55 मोटरसाइकिल चोरी की हैं, जिसमें हम लोगों ने 8 मोटरसाइकिल बरामद की हैं, साथ ही साथ मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। ये मोटरसाइकिल गाज़ियाबाद, दिल्ली, हापुड़, बुलंदशहर आदि जनपदों से चोरी की गई हैं और ये प्रॉपर रेकी करते थे, उसके बाद ये चोरी करके मोटरसाइकिल ले जाते थे और बहुत ही जल्दी मोटरसाइकिलों का कटान हो जाता था और जो पार्ट्स मिलते थे वो अन्य दुकानों को बेचे जाते थे। इसमें जो कबाड़ियों के जहाँ पे कटती थी मोटरसाइकिल उनको वांछित कर रखा है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये इनको मोटरसाइकिल चोरी जब ये बेचते थे उनको कबाड़ियों को जो जहाँ कटान होती थी, इनको 5,000 पर मोटरसाइकिल मिलता था। साथ ही साथ उन्होंने एक मास्टर की भी बना रखी है जो आप देख सकते हैं, इससे किसी भी मोटरसाइकिल ये खोल लेते तो चला जाते थे। ये सोतीगंज जनपद मेरठ के हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है लेकिन अन्य जनपदों का हम अभी चेक कर रहे हैं, लेकिन ये है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।